गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हमने द लिटिल फर ट्री की ट्रांसलेशन की थी और आज इस वीडियो में हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन दैट कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिया गया है और उस सेंटेंस को जो इन तीन ऑप्शन में से सही यानी कि पूरा करेगा, कंप्लीट करेगा, आपने उस पर टिक का निशान लगाना है। ओके, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, द प्रेटी लिटिल फर ट्री वॉज हैप्पी विद द गोल्ड लीव्स, बट यानी कि जो छोटा फर का वृक्ष था वो अपने सोने के पत्तों से खुश था, लेकिन लेकिन क्या हुआ? अ गोट केम अलोंग एंड एट देम, ऑल द लीव्स गोट वेट इन रेन, या अ मैन स्टोल देम। तो क्या हुआ था? यस, अ मैन स्टोल देम, एक आदमी ने उनको चुरा लिया था। ओके, सेकेंड है, द फर ट्री वॉज सैड बिकॉज इट हैड येलो लीव्स, बिकॉज इट हैड नीडल लाइक लीव्स, बिकॉज इट वॉज वेरी शॉर्ट। तो खुश क्यों नहीं था? हाँ, बिकॉज इट हैड नीडल लाइक लीव्स। थर्ड, द फर ट्री वॉज नॉट हैप्पी विद द गोल्ड लीव्स, द फायर ट्री वॉज नॉट हैप्पी विद द गोल्ड लीव्स। क्यों नहीं था गोल्ड लीव्स के साथ खुश वो? बिकॉज द गोट केम एंड एट देम अप, अ मैन स्टोल देम, द गोल्ड लीव्स ब्रोक। तो क्या हो गया था? यस, अ मैन स्टोल देम। द फर ट्री थर्ड विश वॉज, फर ट्री की थर्ड विश थी वो क्या थी? टू हैव ग्रीन लीव्स, टू हैव ग्लास लीव्स, टू गेट इट नीडल बैक। थर्ड उसकी विश क्या थी? हाँ, टू हैव ग्लास लीव, के मेरे जो पत्ते वो कांच के हो जाएं, शीशे के हो जाएं। तो ये थर्ड विश थी। और लास्ट विश क्या थी? कि उन्होंने अपने जो पत्ते वो वापिस मांग लिए थे। तो ये एक्सरसाइज है, उम्मीद आपको ये समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड द मैजिशियन टेक शेल्टर, जादूगर ने कहाँ पर शरण ली थी? तो इसका आंसर क्या है, कहाँ पर ली थी जादूगर ने? देवदार के पेड़ पर या फर के पेड़ के नीचे शरण ली थी? तो द मैजिशियन टुक शेल्टर अंडर अ फर ट्री की, यहाँ पर इसको फर का पेड़ भी बोलते हैं या देवदार का पेड़ भी। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फर ट्रीज फर्स्ट विश, देवदार के पेड़ की पहली इच्छा क्या थी? तो उसकी पहली इच्छा क्या थी? कि अन्य पेड़ों की तरह उसके पत्ते भी हरे हों। तो इट्स फर्स्ट विश वाज टू हैव ग्रीन लीव्स लाइक अदर ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड आफ्टर द फर ट्रीज फर्स्ट विश वाज फुलफिल्ड, देवदार के पेड़ की पहली इच्छा पूरी होने के बाद क्या हुआ? तो वहां पर क्या हुआ था, एक बकरी आई और सारे पत्ते जो इसके वो खा गई थी। तो अ गोट केम एंड एट ऑल द ग्रीन लीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द फर ट्री विश टू हैव गोल्ड लीव्स, देवदार के पेड़ की सोने के पत्ते पाने की इच्छा क्यों थी? क्योंकि बकरियां सोने के पत्ते नहीं खाती। तो बिकॉज गोट्स डू नॉट ईट गोल्ड लीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू द फर ट्रीज गोल्ड एंड ग्लास लीव्स, देवदार के पेड़ के सोने और कांच के पत्तों का क्या हुआ? इसकी सोने की पत्तियां एक आदमी ने चुरा ली और कांच के पत्ते हवा में टूट गए। तो इट्स गोल्ड लीव्स वर स्टोलन बाय अ मैन एंड ग्लास लीव्स वर ब्रोकन बाय द विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द फर ट्री फील व्हेन इट गोट इट्स नीडल बैक अगेन, जब अपने नुकीले पत्ते वापस मिले तो देवदार के पेड़ को कैसा लगा? वह बहुत खुश था, इट वॉज वेरी हैप्पी। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइटर ट्राइंग टू टेल थ्रू द स्टोरी, लेखक कहानी के माध्यम से
क्या बताने की कोशिश कर रहा है, यानी कि हमें वो क्या सिखाना चाह रहा है। तो लेखक यह बताना चाहता है कि हमारे पास जो भी है हमें उसी में खुश रहना चाहिए, हमें लालची नहीं होना चाहिए। सो द राइटर वॉन्ट्स टू टेल दैट वी शुड बी हैप्पी विद वट वी हैव, वी शुड नॉट बी ग्रीडी। तो ये इसके क्वेश्चन आंसर थे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हम आगे की एक्सरसाइज करेंगे। तो मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय बाय।